एक कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, लेकिन एक कहानी जितनी बार सुनो उतनी बार कुछ ना कुछ मोटिवेशन देके जरूर जाती है, इसलिए ऐसा लगता है कि कहानी को फिर से सुनना ही चाहिए। दोस्तों एक बार की बात है, एक राजा था, एक छोटा राज्य था, बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के पड़ोस में एक बहुत महाशक्तिशाली राज्य हुआ करता था, और उस छोटे राज्य के राजा को एक बार गुप्तचरों के द्वारा यह खबर मिलती है कि वो जो बाजू का पड़ोस का जो बड़ा शक्तिशाली राज्य है वो हम पे हमला करने वाला है। यह सुनकर राजा अपने मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाता है। सारे मंत्रीगण, सारे सैनिक, सेनापति सब चिंतित होते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि वो राज्य तो बहुत शक्तिशाली होता है और इनकी सेना तो बहुत छोटी होती है। तब वो अपने महल में अपने मंत्रियों से पूछता है कि अब हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, हमारी मौत नजदीक है, क्योंकि वो राजा तो हमें हरा ही देगा, तो आप लोगों के पास कोई किसी प्रकार का सॉल्यूशन है? तब राजा का एक चतुर मंत्री कहता है, जी हां, हम एक काम करते हैं, हम उन पे कल ही हमला कर देते हैं। राजा ये सुन के और अचंभित हो जाता है। राजा कहता है, जब तुम्हें पता है कि हमारे पास तो सेना बहुत छोटी है और हमारी सेना उस सेना से नहीं लड़ सकती, तो तुम कैसे कह रहे हो? तो मंत्री कहता है, राजा जी हम वैसे भी हारने ही वाले हैं, तो क्यों ना हम उन पे पहले हमला करके उनको संभलने का मौका ही ना दें। वो सोच भी नहीं सकते कि हम उन पे हमला करेंगे और शायद उनकी युद्ध की तैयारी भी ना हो, और इस चक्कर में शायद हम जीत जाए, वैसे भी तो हम हारने ही वाले हैं। राजा मंत्री की बात सुनकर सोचता है और डिसीजन लेता है कि ठीक है, हम हमला करेंगे। और अगले ही दिन राजा अपनी सेना को तैयार कर पड़ोसी राज्य पे हमला करने के लिए निकल पड़ता है। जब पड़ोसी राज्य पे हमला करने के लिए सेना जब उस नगर में पहुंचती है, तो बीच में एक पुल होता है, जिस पुल को पार कर सेना वहां पहुंचती है। राजा अपने मंत्री को ऑर्डर देता है कि एक काम करो, अब इस पुल को जला दो। और मंत्री वैसा ही करते हैं, उस पुल को जला देते हैं। और राजा अपनी सेना को फिर कहता है कि देखिए, अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो हमें हार कर मरना होगा या हमें जीतना होगा, हमारे पास वापस जाने का कोई प्लान नहीं है, मतलब प्लान भी नहीं है। तो सैनिक इतने बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं कि वो सामने वाले पड़ोसी राज्य की सेना को हरा देते हैं। वो इसलिए ये कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। उन्हें पता होता है कि अगर हम भागने की कोशिश करें तो भी भाग नहीं सकते, और ये लोग हमें पकड़ पकड़ के मार देंगे, और फाइनली उस राजा की जीत हो जाती है। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब हमें लगता है कि ये चीज मुझे करनी ही पड़ेगी और इसके अलावा मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं उसको करता ही करता हूं। लेकिन जब मुझे पता होता है कि मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं दूसरा काम भी कर सकता हूं, मैं कल भी कर सकता हूं, मैं परसों भी कर सकता हूं, तो डेफिनेटली हम उस काम को नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड हमको कमांड देने लगता है कि इसके पास तेरे पास सॉल्यूशन है। इसीलिए दोस्तों हमें भी अपने जिंदगी में जिस राजा के मंत्री के समान एटीट्यूड रखने की जरूरत है, जहां पर हम अपने आप को किसी भी काम को करते समय यह बताएं कि इसके अलावा तेरे पास कोई सॉल्यूशन, कोई उपाय नहीं है, और जब अपने टारगेट फिक्स करें तो पीछे का कोई रास्ता ना रखें, ताकि हम उस काम में दिलो जान से मेहनत करें। दोस्तों बहुत सारे लोग किसी काम को शुरू करने के बाद नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी होती है, और वो मेहनत करके थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, कुछ दिन करते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो अपनी पॉजिटिविटी को फोर्स में वहां इनपुट देता है। सक्सेसफुल पीपल जो खेलते हैं, जो उसी प्रकार से खेलते हैं, जो जहां पर वो अपनी पूरी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी पे हावी कर देते हैं, और अपने सुंदर मन को जो बचपन में एकदम पॉजिटिव होता है, जिसको हम अपने विचारों अनुभव से नेगेटिव कर देते हैं, उसको पॉजिटिव कर अपनी जंग को जीत लेते हैं। इसीलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करो और अपने सामने के सारे ऑप्शनों को खत्म करो। जब तक आप किसी काम को पूरी फोकस से, पूरे दिल से और ये सोचकर करते हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो आप कर ही लेते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ हिट करो बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।